हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वरुण इंग्लिश हब। दिस इज रजनी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बीए फिफ्थ सेम के लिए। तो देखिए, बीए फिफ्थ सेम के लिए, या फिर आप कह सकते हैं बीए फाइनल ईयर के जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं थर्ड ईयर के, उनके लिए ये लेक्चर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अबाउट बड़े खान। तो देखिए, जो हमारा नोवल है कंथापुरा, या फिर कंथापुरा जो भी आप इसे कहना चाहो, तो उसमें हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है बड़े खान, और इस पर हमारे 6 क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बनते हैं। इनमें से एक आपको देखने को भी मिलेगा आपके एग्ज़ाम में। अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन बड़े खान के कैरेक्टर से या इसके बारे में आ जाता है, तो भी आप इनको इंक्लूड करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो 6 क्वेश्चंस हैं, उनसे मैं सिर्फ करवाऊँगी आपको 2 आंसर्स। जो भी क्वेश्चन आए, तो आपको इन 2 आंसर्स में ये 6 कंप्लीट करने हैं। तो देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है हु इज बड़े खान। बड़े खान कौन है? व्हाई डज बड़े खान फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू गेट अ हाउस इन द विलेज? अब देखिए, इस विलेज के अंदर, विलेज होता है कोई गांव, तो गांव के अंदर बड़े खान के लिए डिफ़िकल्ट क्यों था? तो बड़े खान के लिए क्यों था डिफ़िकल्ट क्या करना? पाना, फाइंड मीन्स पाना, टू गेट अ हाउस, किसको पाना? एक हाउस को ढूंढ पाना, एक घर को ढूंढ पाना बड़े खान के लिए क्यों मुश्किल था? कहाँ पर? इन द विलेज, गांव में। थर्ड क्वेश्चन है, वेयर डज बड़े खान फाइनली फाइंड अ प्लेस टू लिव इन? तो पहले तो उसके लिए डिफ़िकल्ट था पाना, पर उसके बाद क्या होता है, कहाँ पर, वेयर होता है कहाँ पर, बड़े खान फाइनली एक जगह पा लेता है, स्थान पा लेता है, प्लेस पा लेता है, फाइंड मीन्स ढूंढ लेता है, टू लिव इन, जहाँ पर वो रह सके। यानी कि जो बड़े खान है, फाइनली रहने के लिए जगह कहाँ ढूंढता है, कहाँ उसे जगह मिलती है रहने के लिए। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डज द विलेजर्स गेट अ स्निफ दैट दे बिंग फॉलोड? तो विलेजर्स है यहाँ पर, जो विलेजर्स हैं उन्हें कैसे पता चलता है? गेट ए स्निफ होता है किसी चीज़ के बारे में जानकारी पाना, पता लगना किसी चीज़ के बारे में। तो गांव वालों को कैसे पता चलता है कि उन्हें फॉलो किया जा रहा है, उनका पीछा किया जा रहा है? बींग फॉलोड मीन्स क्या होता है? पीछा किया जाना किसी का। फिफ्थ क्वेश्चन है, डू द विलेजर्स लाइक बड़े खान? क्या जो गाँव वाले हैं बड़े खान को पसंद करते हैं? सिक्स्थ क्वेश्चन है, Why is बड़े खान sent to कंथापुरा? कि जो बड़े खान है उसे sent होता है भेजना, कि बड़े खान को कंथापुरा गांव में क्यों भेजा गया है? तो ये 6 क्वेश्चंस हैं, जिनमें से हमारा एक क्वेश्चन छोड़कर, वो क्वेश्चन कौन सा होगा? फोर्थ क्वेश्चन। ये फोर्थ क्वेश्चन छोड़कर जो ये 5 क्वेश्चंस हैं, इनका एक आंसर है हमारा ये फर्स्ट। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इज बड़े खान? तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन बनता है, बड़े खान कौन है? बड़े खान इज अ पुलिसमैन, बड़े खान एक पुलिस वाला है। उसके बाद देखिए, वाई डज बड़े खान फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू गेट ए हाउस इन द विलेज? उसे मुश्किल क्यों होता है गांव में एक घर पाना? बिकॉज ही इज अ मुस्लिम, क्योंकि वह एक मुस्लिम है। He finds it difficult to get a house in the village. इसलिए उसके लिए मुश्किल है कि गांव में वो क्या पा सके, रहने के लिए एक घर पा सके। Neither a Brahmin nor a Shudra, neither a Brahmin nor a Shudra allowed a Muslim to live in non-Muslim community. क्योंकि उस समय ऐसा था समाज, तो यहाँ पर कंथापुरा की बात है, कंथापुरा का जो एनवायरनमेंट था, उसमें इस गांव के अंदर कौन कौन रहती थी? सिर्फ 2 कास्ट, या फिर और भी कोई कास्ट है जो मुस्लिम को छोड़कर है? तो मुस्लिम कास्ट को छोड़कर जो अन्य जातियां रहती थी, जिनमें प्रमुख लोग थे, वो थे ब्राह्मण और शूद्रा। तो इन 2 कम्युनिटीज़ के लोग नहीं चाहते थे कि कोई मुस्लिम आकर उस गांव में रहे।
इसलिए उसे डिफ़िकल्टी आती है एक घर पाने में। अब उसके बाद क्वेश्चन बनता है थर्ड, वेयर डज बड़े खान फाइनली फाइंड ए प्लेस टू लिव इन। तो लास्ट में, अंत में उसे कहाँ पर रहने के लिए घर मिलता है। देन ही गोज स्ट्रेट टू द स्केफिंगटन कॉफी स्टेट। अब इसके बाद क्या होता है, जब मुस्लिम कम्युनिटी को कोई गांव वाला घर देने के लिए रेडी नहीं होता तो वो गुस्से में किसकी तरफ जाता है, देन ही गोज स्ट्रेट, तो वो सीधा किसकी तरफ जाता है, टू द स्केफिंगटन कॉफी स्टेट। स्केफिंगटन कॉफी स्टेट है जो एक ब्रिटिश ऑफिसर की है, एक अंग्रेज की है, उसमें जाता है ये कॉफ़ी स्टेट में। एंड फाइंड्स अ टीन शेड टू लिव इन, और वहाँ पर उसे रहने के लिए स्केफिंगटन है क्या दे देता है, एक टीन की बनी हुई शेड दे देता है, छप्पर दे देता है जिसके नीचे वो रह सके। अब देखिए, वाई इज बड़े खान सेंट टू कांथापुरा, तो इसी से हमारा ये क्वेश्चन भी बनेगा, क्यों भेजा गया है कांथापुरा में इस बड़े खान को। ही इज ऑन अ स्पेसिफिक मिशन IE, यानी कि फॉर एग्जाम्पल टू कलेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ एंड पर्टिकुलरली मूर्थी। उसे गांव में क्यों भेजा गया है, वो एक स्पेसिफिक, एक खास मिशन पर आया है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, फॉर एग्जाम्पल टू कलेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन, ताकि वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पा सके, ज़्यादा सूचनाएँ कलेक्ट कर सके, इकट्ठी कर सके, अबाउट किसके बारे में, एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज, जो सरकार विरोधी, यानी कि उस समय सरकार कौन सी थी, ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो इस गांव में गतिविधियां चल रही थी, एक्टिविटीज होता है गतिविधियां, तो उनके खिलाफ प्रूफ इकट्ठे करने आया था बड़े खान। और स्पेशली बात करें, पर्टिकुलरली बात करें, तो बहुत ही मूर्ति के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने आया था। ऑल द विलेजर्स ऑफ कांथापुरा हेट्स हिम। तो यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ, डू द विलेजर्स लाइक बड़े खान, तो यहाँ पर आंसर यहाँ पर आ जाएगा हमारा सेम। अब है हमारा क्वेश्चन फोर्थ, जो हम अलग से करेंगे, कि जो विलेजर्स हैं उन्हें कैसे भनक होती है, कैसे पता चलता है कि उनका पीछा किया जा रहा है। तो देखिए, व्हेन द विलेजर्स सो अ हेफ्टी बियर्ड मैन, जब गाँव वाले देखते हैं, सो मीन्स देखना, हेफ्टी होता है हष्ट पुष्ट, यानी कि एक हष्ट पुष्ट शरीर वाला व्यक्ति, एक हष्ट पुष्ट शरीर वाले व्यक्ति को देखते हैं जो कि एक बियर्डेड मैन है। बियर्डेड मैन कौन होता है, दाढ़ी वाला आदमी, बियर्डेड मैन दाढ़ी वाला आदमी। सिटिंग ऑन द विलेज प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म क्या होता है, चबूतरा, जो कहाँ पर बैठा हुआ था, गाँव के चबूतरे पर बैठा हुआ था। एंड लाइटिंग अ सिगरेट, और क्या कर रहा था, अपनी सिगरेट को जला रहा था, लाइट जलाना। मोटा टोल्ड भीमा, तो यहाँ पर टू करेक्टर्स दिखाए हैं, मोटा और भीमा, तो यहाँ पर छोटे भीम से याद रख सकते हो आप, मोटा भीम, तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, मोटा टोल्ड भीमा, जो ये मोटा है वो भीमा से कहता है, दिस वॉज द सेम पुलिस मैन होम बी सो अनदर डे, कि ये तो वही पुलिस वाला है जिसे हमने एक दिन देखा था, अनदर डे मीन्स एक दिन देखा था, बट ही हैज नो यूनिफॉर्म, पर आज उसने, पुलिस वाले ने अपनी यूनिफॉर्म नहीं डाली थी। क्यों नहीं डाली थी, ताकि किसी को उस पर शक न हो और लोग उसे पहचान न पाए और वो उनका पीछा करे, इसलिए। दे सो हिम टू जंप डाउन, और उन्होंने देखा कि उसने चबूतरे से जंप लगाई नीचे, फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, कहाँ से, चबूतरे से, एंड सैड ही वॉज द रुज, तो यहाँ देखिए इसकी प्रोनंसिएशन होती है रुज, IE बड़े खान, तो उन्हें पता चला कि ये कौन है, ये तो वही ठग है, रुज होता है ठग, जो कौन है, बड़े खान। तो वो उसको देखकर, उसकी वेशभूषा देखकर, उसे हष्ट पुष्ट देखकर, दाढ़ी वाला देखकर पहचान जाते हैं कि ये तो मुस्लिम है और ये वही है बड़े खान, जो एक ठग है। अब देखिए, ये टू क्वेश्चंस है, सॉरी, ये टू आंसर्स है हमारे सिक्स क्वेश्चन के। तो आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।